अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सोचा कि आज हम कहीं जाएं और जाते जाते मूड बना कि हम लोग बंसरोड चले जाते हैं। आज ना बंसरोड कराची की सबसे बड़ी फूड डिस्ट्रिक है, जहाँ पे इंसान को मतलब हर एक चीज़ खाने पीने का आइटम VVIP से VVIP आपको वहीं मिलेगा। तो हमने सोचा हम लोग चलते हैं, दो तीन दोस्त मिलकर हम लोग बंसरोड जाने की तैयारी में लगे। फिर जब हम बंसरोड पहुँचे तो बंसरोड की जो रौनक थी वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। बंसरोड की अलग ही मतलब एक रौनक, एक किरदार है बंसरोड का, अपना एक मतलब पूरी स्ट्रीट है ना भाई, आप कहीं और भी जाके खा लेंगे लेकिन बंसरोड की एक अपनी बात है। जैसी बंसरोड पहुँचे वो रौनक का नज़ारा देखें, गाय वाएँ भी आई हुई है, दो तीन लोग गायें लेके घूम रहे थे। अच्छा, बंसरोड हम पहुँच गए, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अब हम खाएँ क्या। खाते खाते वहीद याद आ गया हमारे को, भाई वहीद कबाब वाले यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो हमने बोला वहीद की खाते हैं, क्यों ना जब सभी वहीद से खाते तो हम भी वहीद से खाएंगे। तो फिर हम वहीद के बाद चले गए और वहीद पे जो हमने क्या मंगाना था, टिक्का और हमने मलाई बोटी। मेन्यू देखने के बाद मलाई बोटी जब हमने मंगाई, सुमेर भाई है बोटी और टिक्के का एक लुक अपना अंग्रेज था, और मतलब सुमेर ने खाया हमारे सामने और बहुत ही मतलब एक उमदा और लजीज ना, सुमेर की तरफ से हमारे को ये इशारा आया, बहुत ही मतलब मज़ेदार वहाँ का खाना होता है। घबरान ने जगह, सुमेर ने जगह, मैंने खाया, मतलब एक अलग ही लुक और अंग्रेज मतलब ना जी है। की तरफ से भी जो इशारा आया, टिक्के का भी खाली स्टाइल देखिए, टिक्के का मतलब एक एक होता है ना लुफ्त, मुंह के अंदर पानी तो ना आ रहा होगा आपके, ऐसी बातें आना चाहिए भाई। जायके वाली चीज़ें हरी चटनी इनकी एंड कर देती है मोहब्बत में। अच्छा, मैंने तो देखी जाए तो, लेकिन मैंने सोचा चलो फिर भी खा लेते हैं। मैंने चेक करा तो खाना खा के मेरी तरफ से भी यही वाला इशारा जो है। अच्छा भाई, चलते चलते फिर हमें चाचा घोड़े वाले भाई, टांगे की सवारी तो बनती है बाबा। क्या राउंड लेते हो आप, एक राउंड के एक राउंड की क्या लेते हो? एक चक्कर के कितने पैसे? 300 रुपये की। 300 रुपये? 300 रुपये चाचा। चाचा कोई कमी पेशी? कोई कमी पेशी? कमी पेशी नहीं हो जाएगी, ये पकड़ रेट ये देना 300 रुपये। आप आगे पीछे घुमा कर घुमा के आएंगे, बंसर रोड का कोड है। अच्छा चलो, झूले तेरा झंडा। ये जो घोड़े की जो सीटें दी हैं मर्सिडीज से कम नहीं कह रही थी, फिर हम इस घोड़े में बैठना शुरू हुए। हमने बोला चलो बाबा इस घोड़े में बैठते हैं, 300 रुपये लिए चाचा ने। हमें बोला कि चलो बंसरोड घुमाते हैं, बाकी हम इस घोड़े में बैठ गए। अच्छा भाई, इस घोड़े के अंदर बैठने के बाद जो है वहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। घोड़े में हम बैठ चुके हैं, चलो भाई चलो। आवाज़ मारो घोड़ा। अच्छा, हमारा एक भाई हमारे साथ आया नहीं, ये खड़ा हुआ ये खड़ा हुआ इस भाई को जो है घोड़े से डर लगता था शायद, इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया। बाकी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, तो इस जिंदगी में वही बाबा बात ये चेक करें कि बाबा की विलोम में बाबा की रबड़ी जब दिख जाए तो फिर तो मज़ा ही आया था, आपको पता है ऐसा ही है ना। आपको घुमा, अच्छा जी, तो हम लोग जो है घोड़े में बहुत ही मज़ेदार से सिस्टम में अच्छा लग रहा था। एक मतलब घोड़े का भी अपना एक स्टाइल है घूमने फिरने का, घोड़े के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था। अच्छा, घोड़े में सबसे बड़ी टाइट बात जो थी ना, वो चाचा ने अपने घोड़े में हॉर्न भी लगवाया हुआ था। हॉर्न में अभी आपको दिखाता हूँ कि हॉर्न कैसा लगा हुआ था चाचा ने। अच्छा, हॉर्न तुम्हारो हॉर्न कहाँ लगा हुआ है? अभी तुमने बजाया था ना हॉर्न? हाँ जी, अभी तुमने हॉर्न बजाया था ना हॉर्न? हॉर्न मारो। ये भाई चाचा का हॉर्न, और चाचा ने ये हॉर्न लगाया हुआ ये साइड में, चाचा बजा के दिखाओ। ये चाचा का हॉर्न था। अच्छा जी, घोड़े से फिर उतरने के बाद जो है निकले आइसक्रीम की तरफ। अच्छा, आइसक्रीम का भी नाम बाबा जान की आइसक्रीम था। अच्छा, बाबा के लोग में सारी आज बाबा के नाम की चीज़ें आ रही हैं, लग रहा है बाबा निकलने वाला है भाई बाबा, है ना। अच्छा जी, तो ये भाई बड़ा इसके जो है थाल के नीचे जो है ना वो लगा हुआ था, एक अपना क्या नाम है फ्रीजर टाइप का लगा हुआ था, जिससे ये बहुत ही अच्छी और उम्दा टाइट आइसक्रीम बना था। मतलब इसको जब रियो बिस्किट या कोई भी चॉकलेट या किसी भी टाइप का हम बोलते थे जो उसी टाइप की ना आइसक्रीम बना के दे सकता है, मतलब कहता है इन लोगों ने एक अपना सेटअप लगाया हुआ है ना, ये बड़ा बेहतरीन सा सेटअप और मज़ेदार सेटअप इन लोगों ने लगाया हुआ है। फोरम जमने के ऊपर ना जायका भी बड़ा देखें आपके सामने, पहले जो अपना क्या नाम है नूरानी पे काम करते थे, होटल पे नहीं टकाटक बनाने वाले ना, तो टकाटक बड़े तरीके से टकाटक 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 बना सकते हैं। जब आज ये आइसक्रीम भी टकाटक खा रहे हैं हम, टकाटक बनाने के टाइम हुआ करता था। अच्छा, अभी फ्रेश को प्लेन कर रहा है, जैसे कि हम नहीं घर में फ्रेश डलवा के प्लेन करते हैं, उसके बाद उसको ये भाई जो है प्लेन कर रहे हैं। प्लेन करने के बाद जो है अभी रोल टाइप के बनाएगा इसके ना, अभी ठंडा होने का इंतजार कर रहा है, ठंडा होने के इंतजार के बाद ये जो है ना रोल बनाएगा, रोल
देखना आपको दिखाएंगे रोल किस तरह बनाता है ये। और अपने क्या नाम है बाबा जानी है, ये इस तरीके से ये रोल बनाएगा। अच्छा बड़ा इस तरीके रूप में, क्या कैसे बताऊँ, जायका बड़ा प्यारा होता है ना यार। जो भी आप जैसे कि फ्लेवर बोलेंगे जो बड़े रोल बनाते हैं। और ये बिस्किट देखें आपको उससे नहीं भाई ना, मैंने इसको बोला दो नंबर का इशारा कर देना, ये बोला मैं नहीं करूँगा बिस्किट, इसको थोड़ा बरम्बादी करनी पड़ी। अब इसको बोलेंगे, इसने बोला चलो भाई मैं कर दूंगा, आप क्या भी बना देगा, मतलब मशहूर हो जाएगा बेवड़े। इसको बोलना दो नंबर का इशारा कर, बोला मैं नहीं करूँगा। अच्छा ये आइसक्रीम बिल्कुल हमारी तैयारी के ऊपर है, ये बोला अच्छा मैं कर रहा हूँ, तो आइसक्रीम फुल तैयारी पे। अच्छा जी खाना भी खा लिया, वड़े पे भी घूम लिया, आइसक्रीम की तैयारी हो गई है, पेट भी फुल हो गया है और इन्जॉय भी बहुत हो गया है। अब ये कि आज यहाँ से जाएंगे, हाँ कल हफ्ता है, कल हम लोग इंशाल्लाह नागरान बाईपास वाली मंडी हम बेटा दुआ दी। भाई खाना स्टार्ट कर रहे हैं आइसक्रीम। अच्छा, तो आप देखिए भाई बताएंगे आप कैसी है ये आइसक्रीम, ठीक है कैसी है आप चेक करो भाई समीर भाई। ये भाई बताएगा हैं, वाकई आइसक्रीम बहुत अच्छी है भाई, दिखाना जरा एक जियो चेक कराओ। अच्छा जी ये चेक करें जरा, बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद मेरा वाला आज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, कोई और बोलेगा देखें।